वेलकम बैक अमेजिंग फैक्ट चैनल में सुनिए आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए आज का हम जो करंट अफेयर 3 सितंबर का देखेंगे, जिस पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो आप करंट अफेयर को देखिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 6वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 15वीं भारत एशियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ सम्पन्न हुई? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुए 18वें एशियाई खेलों में भारत को कुल कितने पदक मिले? तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है 69 पदक। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के नए अध्यक्ष कौन बने? सुनील मेहता जी बने हैं, ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, 18वें एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगी? रानी रामपाल, ऑप्शन डी इसका सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष की जनगणना में OBC डेटा एकत्रित करने का प्रस्ताव रखा गया है? वर्ष 2021 की जनगणना में OBC को डेटा को एकत्रित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका सही ऑप्शन बी है, वर्ष 2021 में। चलिए छठा क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं, IWAI ने किस नदी के लिए भारत का पहला मानकीकृत आधुनिक जहाज डिजाइन किया है? गंगा नदी के लिए। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारत के पहले ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 की इवेंट श्रृंखला का अनावरण किया? ऑप्शन ए नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, रेलवे कार्यशालाओं में प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गेल के साथ, ऑप्शन नंबर बी। गेल एक महारत्न कंपनी है दोस्तों, जो हमारे भारत के एक महारत्न कंपनियों में एक पूर्ण जो भारत का शेयर है टोटल गेल में है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। नवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस जैन मुनि का निधन हो गया? ऑप्शन ए तरुण सागर का। प्रश्न नंबर 10, नेपाल में किस देश के साथ रक्सोल से काठमांडू के बीच रेलवे लाइन के प्रारंभिक सर्वेक्षण पर हस्ताक्षर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत के साथ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 11वां क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं, RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा बैंक। हाल ही में RBI ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया है जिसका नाम है भीलवाड़ा बैंक, ऑप्शन ए सही है इसका। 12वां प्रश्न देखते हैं, अप्रैल जून की तिमाही में GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रही? अप्रैल जून की तिमाही में GDP ग्रोथ 8.2% यानी 8.2% के साथ रही, ऑप्शन सी इसका सही है। दोस्तों कल का प्रश्न था, सुप्रीम कोर्ट ने किन चुनावों में नोटा विकल्प नहीं लागू करने का आदेश दिया है? अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, कई लोगों ने इसका जवाब दिया भी। चलिए सही जवाब है राज्यसभा चुनाव में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा के चुनाव में नोटा विकल्प नहीं लागू करने का आदेश दिया है। चलिए आज का प्रश्न दोस्तों, आपको इसको कमेंट में जवाब देना है, छत्तीसगढ़ ने नया रायपुर का परिवर्तित नाम क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दीनदयाल नगर, ऑप्शन बी अटल नगर, ऑप्शन सी सावरकर नगर, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम नगर। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर, और धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। तो प्लीज़ अगर पसंद आया वीडियो तो शेयर करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर दीजिएगा कृपा करके, अगर आप नए हैं तो।